Hi, my name is Mary. Today FM plays the best music in Lambasa. Today FM rocks. My name is Thomas. I'm here in Nakasi and I like to listen to Today FM because it rocks. And my name is Milenia. Today FM rocks here in Singotoka. My name is Enrique and Today FM rocks here in Tawa. My name is Mary Jane. I love listening to Today FM here in Ba. Today FM rocks. My name is Ilai Tiambale and I love listening to Today FM. Today FM rocks here in Osun. Today's hit music on Today FM. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। टीचर्स को ग्रो अप होने का आदेश दिया गया है और उन्हें यह समझना चाहिए कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स किसी को विक्टिमाइज करने के लिए नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर यास सैद कयूम ने यह कमेंट किया है। सुबह नसोरी कॉरिडोर के टीचर्स को तलनवा सेशन में इन्वॉल्व करने से मिनिस्टर ने कुछ रिफॉर्म्स के डाउट्स को लेकर स्पष्टीकरण प्रदान किया है। सेशन के दौरान टीचर्स ने कंसर्न्स को डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्टर के समक्ष उठाया। सैद कयूम ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स है, हालांकि टीचर्स को वेलफेयर सबसे जरूरी है। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि यह जरूरी है कि टीचर्स रिफॉर्म्स को अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करें। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बैनिमरामा ने कहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से मोर देन 300 न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से पैसिफिक रीजन को ह्यूमन और एनवायरमेंटल परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। यूएन में इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के दौरान लीडर्स से बातें करते हुए बैनिमरामा ने कहा कि फिजी ने न केवल न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ आवाज उठाया है बल्कि उन्हें बैन करने के लिए कुछ मेजर्स का भी समर्थन किया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पैसिफिक के पावरफुल गवर्नमेंट्स ने ये सारे टेस्ट किए थे। 2015 में सरकार ने $2.5 मिलियन को अलग किया था ताकि वे उन फिजियन मिलिट्री के फैमिलीज को सहायता प्रदान कर सके जिन्होंने ब्रिटिश को न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान सर्व किया था। फिलहाल वे सारे नेशन से मांग कर रहे हैं कि वे हमारे बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट और सिक्योर फ्यूचर बनाने पर काम करें। मालामाला नांदी के 29-year-old ट्रक ड्राइवर को आज नांदी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। मोनील नारायण को 1 count ऑफ मर्डर के लिए चार्ज किया गया है। नारायण को पूछताछ के लिए ले जाया गया था जब उसके पत्नी के परिवार वालों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट की थी। छानबीन से पता चला कि नारायण ने अपने 25-year-old पत्नी सोनिका सिंह को मारकर उसके बॉडी को जलाकर घर के नजदीक दफनाया था। फोरेंसिक टेस्ट से पता चला है कि दफनाए गए अंग व्यक्ति के पत्नी के हैं। व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। मामले को अगले महीने के 17 को लोटोका हाई कोर्ट में बुलाया जाएगा। और खेलकूद के खबरों में फिजी एयरवेज ड्रुआ कोच सेनेरुसी सेरुवाकुला ने इस सप्ताह नेशनल रग्बी चैंपियनशिप क्लैश में अपनी टीम के स्टार्टिंग लाइनअप में काफी बदलाव किया है। फ्रंट रो में मैसुला में दोलोकोतो नंबर 2 जेसी में रहेंगे जबकि उनके साथ जोएली वैतयाकी और अलिवेरेती रंबुकवांगा भी रहेंगे और अपिसलो में वोता बेंच पर रहेंगे। फिलहाल फिजी ड्रुआ और ईगल्स के बीच खेल शनिवार को सुबह के एनजेड स्टेडियम पर 3 बजे शुरू होगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभरात्रि। Hi, I'm Nazrin from Mussoorie Jets. I love listening to Mirchi FM. Mirchi FM is hot. Mahen, rugby tone Singatoka se. Singatoka am khali Mirchi baje. Mirchi bohut garam hai. Main Mala Lambasa se. Main hamesha radio Mirchi sunti hu. Mirchi FM, it's hot. Hamara naam Munindra hai aur hum Malele Taba mein rehta hai. Aur every time hum Mirchi FM sunta hai. It's really good. My name is Ethan Narayan. I'm from Nakasi. I love listening to Mirchi FM because Mirchi FM is hot. Mirchi FM. It's hot.